हेलो एवरीवन, आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस का. दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस. सात ऐसे इंश्योरेंस प्रिंसिपल्स जो इंश्योरेंस में फॉलो किए जाते हैं, इन्हें अप्लाई किया जाता है ताकि जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड वो बिल्कुल सही तरीके से हो. तो इनका जो प्रिंसिपल्स हैं जो ये बोथ दोनों ही पार्टीज़ के फ़ायदे के लिए होते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं. तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल हमारा आता है, अगर हम फॉलो करें एक पैटर्न की तरह, तो दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ. कहते हैं जैसे ही आपके इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होती है दोनों पार्टीज़ के बीच में, बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड, दोनों पार्टीज़ में ये प्रिंसिपल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वो जो भी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को दें वो सही हो. इस ये जो प्रिंसिपल है बेसिकली इसे ड्राइव किया गया है लेटिन वर्ड से जिसका नेम है दैट इज़ अब्रेमी फदई. उसका मतलब होता है मोस्ट एब्यूडेंट फेथ. जहाँ पर आप एक दूसरे पर बिल्कुल अच्छी तरह से पूरा विश्वास कर रहे हो और दोनों पार्टीज़ इंश्योरर और इंश्योर्ड एक दूसरे को सारी मटेरियल फैक्ट्स दैट मीन्स इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्क्लोज कर रहे हैं. ये जो प्रिंसिपल है ये तीन बातों पर, लीगल डेकोट्रीन पर डिपेंड करता है. जो तो तीन लीगल डेकोट्रीन है वो है रिप्रेजेंटेशन, कंसाइलमेंट एंड वारंटी. रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि जो इंश्योरर है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन लाइक एज, वेट, हाइट, ऑक्यूपेशन, फैमिली हिस्ट्री, हेल्थ स्टेटस, स्मोकर है, नॉन स्मोकर है, ये सारी इंफॉर्मेशन इंश्योर्ड से कलेक्ट करता है. तो जो इंश्योर्ड है या एप्लीकेंट है वो बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन देगा. अगर उसने ये इंफॉर्मेशन सही नहीं दी तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड माना जाएगा. नेक्स्ट आता है आपका, दैट इज़ दी कंसीलमेंट. कंसीलमेंट क्या होता है? जब इंटेंशनली आपने कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की. एक होता है वारंटी. तो ये जो तीन चीज़ें हुई, दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन, कंसाइलमेंट एंड वारंटी. वारंटी में क्या कहता है? ऐसी कोई स्टेटमेंट जो आपने बकायदा बिल्कुल गारंटी के साथ दी है कि ये बिल्कुल सही है और वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है. तो ये जो चीज़ें आपने डिस्क्लोज की ये बिल्कुल सही तरीके से करनी होती है. ये ड्यूटी है दोनों पार्टीज़ की कि भाई वो सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को सही देंगे और जो इंश्योरेंस करवा रहा है वो भी बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन देगा. इसके तो फर्स्ट आपका था दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ. नेक्स्ट आपका आता है दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट. प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या कहता है? कि जो भी पर्सन इंश्योरेंस करवा रहा है वो ये उसका जो इंश्योरेंस वो ले रहा है या जिसके लिए वो इंश्योरेंस ले रहा है उसमें बकायदा पूरा इंटरेस्ट होना चाहिए. इंटरेस्ट मीन्स कि भाई अगर उसे कुछ हो जाता है तो उसे फाइनेंशियल लॉस हो या फिर आप ये कह लीजिए अदर काइंड ऑफ लॉस होगा. मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस अगर हम लेते हैं तो एक पर्सन है, कपल है, हस्बैंड अपनी वाइफ का इंश्योरेंस करवाता है. वहाँ पर क्या है कि वो दोनों रिलेट हैं एक दूसरे से. अगर किसी एक को हो जाता है तो उनकी फैमिली पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा. इसीलिए वहाँ पर क्या है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है. तो इसीलिए कहा जाता है कि अ पर्सन इज़ रिगार्डेड एज हैविंग अ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन समथिंग व्हेन द लॉस और डैमेज टू द आइटम कंसर्न वुड कॉज दैट पर्सन टू सफर अ फाइनेंशियल लॉस और अदर काइंड ऑफ लॉस. कि भाई इंश्योरेबल इंटरेस्ट हम किसे कहेंगे? ऐसी कोई चीज़ जिसका इंश्योरेंस करवाया जा रहा है, अगर उसे कोई भी लॉस होता है या डैमेज होता है तो उससे उस पर्सन को कोई फाइनेंशियल लॉस होगा या अदर काइंड ऑफ लॉस होगा. इसीलिए कहता है कि जो पॉलिसी होल्डर है जिसने इंश्योरेंस करवाया है उसे डायरेक्ट उससे अफेक्ट होना चाहिए, यानी कि फाइनेंशियल लॉस होना या अदर काइंड ऑफ लॉस होना चाहिए. जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि उसका अपने एम्प्लॉय में एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो, ज़रूरी नहीं होता. लेकिन नेक्स्ट क्या कहता है कि एक मैरिड कपल है, उनका एक दूसरे में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है क्योंकि उनकी लाइफ एक दूसरे से जुड़ी हुई है.
नेक्स्ट आता है आपका दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी आपका क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कहता है कि जो इंश्योरर है वो एग्री होगा आपको जो भी इंश्योर्ड है उसको उसका एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस पे करने के लिए. एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस पे, इंडेमनिफिकेशन या इंडेमनिटी मतलब क्या होता है? भरपाई करना, उस लॉस की भरपाई करना जो उस अनसर्टेन इवेंट के घटित होने से किसको हुआ है, आपकी इंश्योर्ड पार्टी को हुआ है. लेकिन जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है वो क्या कहता है कि भाई आपका डर तो दो बातों पे बेस्ड है, कि भाई आपका जो मॉरल हैजार्ड है भी आपको जो डर है उसको रिड्यूस करेगा, ठीक है, और किसी भी तरह के लॉस को होने से दूर करेगा. यानी कि प्रॉफिट आपको इंश्योरेंस कमा के नहीं देता है, यानी कि आपको जितने का लॉस है उतना ही पे किया जाएगा. इंश्योरेंस किया ही किस लिए जाता है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रिंसिपल का? कि इंश्योरेंस के अंदर जिस इंश्योर्ड ने जो जिस चीज़ का इंश्योरेंस करवाया है उस चीज़ के ख़राब हो जाने से, डैमेज होना जाने से, उसके लॉस हो जाने से, उसे जो नुकसान हुआ है, ठीक है, उस नुकसान से पहले जैसी सिचुएशन में वो था उसे उसी सिचुएशन में लेकर आना, ठीक है. लेकिन लेकिन जो अमाउंट है वो हमेशा क्या होगा कंपनसेशन का, वो ना तो ज़्यादा होगा जितने का आपको लॉस हुआ उससे, ठीक है, और ना ही कम होगा. यानी कि एक्चुअल आपको जितने का लॉस हुआ है वो आपको पे किया ही जाएगा. मान लीजिए अगर आपने 1,00,000 रुपए का इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, लॉस आता है आपको 70,000 का, तो आपको 70,000 पे किए जाएंगे, ठीक है. लेकिन अगर आपको 1,10,000 का नुकसान हो जाता है तो आपको मैक्सिमम 1,00,000 ही पे किया जाएगा, ठीक है. तो क्या होगा, द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन इज लिमिटेड टू द अमाउंट एश्योर्ड और द एक्चुअल लॉस विच एवर इज लेस. नेक्स्ट आता है आपका दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन. प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन देखिए एक तरह से जो हमने प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिफिकेशन बात क्या डिस्कस किया उसी से रिलेटेड है. इसमें क्या कहता है कि मान लीजिए, क्योंकि इंडेमनिफिकेशन जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है वो क्या कहता है, जितने का आपको नुकसान हुआ उतना पे किया जाएगा. प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन कहता है कि अगर जो पर्सन है जिसने इंश्योरेंस कराया है अगर वो एक जगह से ज़्यादा बार इंश्योरेंस करवाता है उसी एक चीज़ का, यानी कि आपके पास एक कार है आप उसका इंश्योरेंस 4-5 लोगों से करवा रहे हो, तो उस सिचुएशन में प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन लागू होगा और आपको जो कंपनसेशन मिलेगा वो आपके लॉस तक ही होगा. यानी कि आपने 1,00,000 का इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, एक कंपनी से, और उसी चीज़ का उसी कार का इंश्योरेंस आपने दूसरी कंपनी से 2,00,000 का करवाया, तो आप ये नहीं है कि 1 से 1,00,000 ले जाओगे और 1 से 2,00,000 ले जाओगे, नहीं, आप क्या करोगे, मैक्सिमम अगर उसमें आपको 1,00,000 का नुकसान होता है उस कार का, तो या तो उसे प्रोपोर्शनेटली बांटा जाएगा दोनों कंपनीज़ के बीच में, या फिर उसे एक कंपनी भर देगी, कोई भी एक कंपनी, ठीक है, वो पहली वाली कंपनी भी भर सकती है, दूसरी कंपनी भी भर सकती है. लेकिन जब आपको वो एक कंपनी को इसी भी फर्स्ट या सेकंड आपको अमाउंट दे देती है तो जिस कंपनी ने उसे भरा है वो दूसरी कंपनी से प्रोपोर्शनेटली अमाउंट मांगेगी. जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 1,00,000 का इंश्योरेंस आपने 1 से कराया, 2 का इंश्योरेंस 1 से करवाया, ठीक है, तो रेशो क्या हो गया, 1:2. तो अगर मान लीजिए मैक्सिमम आपको 1,00,000 का नुकसान हुआ है तो उसे 1:2 में डिवाइड किया जाएगा बाय बोथ द कंपनीज. तो इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट आता है आपका दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सेब्रोगेशन. प्रिंसिपल ऑफ सेब्रोगेशन देखिए क्या है, ये एक लीगल डेकोट्रीन है जहाँ पर एक पर्सन को राइट होता है, ठीक है, कि वो क्या कर सकता है, या फिर आप कह लीजिए एक रेमेडी का काम करता है, किसके लिए, क्रेडिटर के लिए अगेंस्ट हिज डेटर, ठीक है. ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है, ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट जो इंश्योरेंस है उसका पार्ट बन जाता है. यहाँ पर अब ये कहता है कि क्रेडिटर और डेटर की क्या बात आ गई, इसमें ये कहता है कि जैसे इंश्योरेंस में मान लीजिए कि आप भरपाई करोगे जो भी नुकसान हुआ इंश्योरर को, इंश्योर्ड को, लेकिन वो क्या कह रहा है कि भाई अगर इसमें कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है तो थर्ड पार्टी के इन्वॉल्व होने के कारण ही वो नुकसान अराइज हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी उस थर्ड पार्टी को स्यू कर सकती है. फर्स्ट पार्टी कौन हो गया, इंश्योरर, सेकंड पार्टी कौन हो गया, इंश्योर्ड, थर्ड पार्टी जिसकी वजह से इंश्योर्ड को नुकसान हुआ. मान लीजिए मेरा घर बना हुआ है, मेरे घर के पास मेरा जो नेबर है, ठीक है, पड़ोसी है, वो कुछ ऐसा काम करता है जिसकी वजह से मेरे घर
को क्या हो गया, डैमेज हो गया और उसका मैंने इंश्योरेंस करवा रखा था, तो डैमेज की राशि तो मुझे किससे मिल जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगी क्योंकि मैंने इंश्योरेंस करा रखा है। लेकिन कहते हैं वो हुआ किसकी वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, तो इंश्योरेंस कंपनी को ये राइट है कि वो उस थर्ड पार्टी को, उस नेबर को क्या कर सकती है, उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकती है, कोर्ट में उसे लेके जा सकती है। तो आपका प्रिंसिपल ऑफ सेब्रोगेशन ये था। नेक्स्ट आता है आपका, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन देखिए क्या कहता है कि जब भी इंश्योर्ड को लॉस हो रहा है, उसने कोई भी इंश्योरेंस करवा रखा है, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस लॉस को मिनिमाइज करने का काम करेगा। इसे हम कहते हैं लॉस मिनिमाइजेशन, इसे आप मिटिगेशन ऑफ लॉस भी कह सकते हैं, मिटिगेशन ऑफ लॉस भी कह सकते हैं। इसमें क्या कहता है कि जो इंश्योर्ड है उसे ये नहीं सोचना कि भाई मैंने तो इंश्योरेंस करवा के रख लिया, किसी भी चीज़ टाइप का हो, फायर इंश्योरेंस हो, कोई भी इंश्योरेंस हो, भाई मैंने तो इंश्योरेंस करा के रख लिया, अब मुझे कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, और अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं करता। अगर कुछ भी मान लीजिए फायर इंश्योरेंस है, घर में आग लग गई है, घर का इंश्योरेंस करवा रखा था, लेकिन उसको कम करने की कोशिश नहीं कर रहा, नहीं, कहता है कि इंश्योर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस लॉस को कम करने की कोशिश करे, फायर ब्रिगेड को कॉल करे, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं उनको यूज़ करे ताकि फायर्स कम हो, नेबर्स की हेल्प ले, यानी कि उसे उस लॉस को कम करने की कोशिश करनी है और अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाने हैं, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। एंड द लास्ट इज दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ क्रॉस प्रेक्सिमा। प्रिंसिपल ऑफ क्रॉस प्रेक्सिमा कहता है कि इसका मतलब होता है, क्रॉस प्रेक्सिमा एक लेटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है नियरेस्ट कॉज, प्रॉक्सीमेट कॉज, कि आपको जो, जैसे आपने इंश्योरेंस करा लिया, ठीक है, आपने फायर इंश्योरेंस करवाया, आपका घर है, ठीक है, वो डैमेज हुआ आपके नेबर की गलती की वजह से, आग लग गई मान लीजिए कुछ भी किसी रीज़न की वजह से, तो जो मेन रीज़न था वो क्या था, आग लगना ही था, तो आपने फायर इंश्योरेंस ही करवा रखा था, तो आपको जो भी पेमेंट है वो मिल जाएगी, कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका जो नेबर है वो किसी कुछ और ऐसी एक्टिविटी करता है भी घर, जिसकी वजह से डैमेज हो जाता है आपका हाउस, तो उस सिचुएशन में आपको फायर इंश्योरेंस के अंडर कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा, यानी कि जो मेन कॉज है दैट शुड बी फायर। जैसे मरीन इंश्योरेंस में अगर हम एग्जांपल लें कि मान लीजिए एक शिप के अंदर पानी घुस जाता है किसका, समुद्र का, और उसकी वजह से सारा सामान ख़राब हो जाता है, और वो सामान जो ख़राब हुआ वो किससे आता है, एक ऐसे होल से आता है जहाँ जिन्हें चूहों ने बना दिया मान लीजिए, या कुछ और रीज़न, कुछ और डैमेज की वजह से हो गया, तो वहां पर जो मेन था, रीजन था, वो क्या था कि भाई जो डैमेज हुआ वो सी के पानी, यानी कि समुद्र के पानी से ही हुआ, तो आपने उसी का इंश्योरेंस करा रखा था, तो आपको उसका क्लेम जरूर मिल जाएगा। तो ये आपके 7 मेन प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एज पर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।